हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में दिखाऊंगा एक काम दो प्रकार का, एक है जैक्वा लूम्स, दूसरा है डोबी लूम्स। दोनों एक पावर लूम्स है, मेरा कपड़ा अलग अलग क्वालिटी का बनता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं ले जाऊंगा इस एरिया में जिसके नाम है सिल्वर आइकन इंडस्ट्रीज। इसके भीतर में आप लोग ले जाएंगे, देखिए नया नया कंपनी सब बनता है। हर साल हज़ार हज़ार कंपनी नया नया बनते हैं। देखिए कितना कंपनी है जो अभी बन रहा है और कितना कंपनी चालू है, जो नया नया एरिया सब होते हैं उधर बनाते हैं। चलो आज ये कंपनी में जाते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे इसका अंदर कैसे काम होते हैं। जैक्वा लूम्स और डोबी लूम्स दोनों पावर लूम्स है, मगर कपड़ा का क्वालिटी अलग अलग है। चलो अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे काम होते हैं। ये देखिए, ये कंपनी है, ये छोटा सा कंपनी है, चार तीन चार मोहल्ला है। ये पहला वाला मोहल्ला है, देखिए कितना डिजाइन का, कितना सुंदर सुंदर साड़ी। इसको जैक्वा लूम कहते हैं। ये वाला जैक्वा लूम से बनारस साड़ी बनते हैं, अलग अलग क्वालिटी का अच्छा अच्छा साड़ी बनते हैं, जिसको डायरेक्ट साड़ी बेचते हैं। ये देखिए, जब शाम हो जाता है, मतलब दिन पाली चला जाता है, दिन भर काम हो जाता है, शाम 7 बज जाता है, तो जो दिन भर काम करते हैं वो निकल जाता है और दूसरा आके नाइट भर रात भर काम करेंगे। अभी देखिए पूरा का पूरा मशीन बंद है, इनका टाइम पूरा हो गया। ये जो भाई काम करता था दिन भर, इनका टाइम पूरा हो गया, अब ये जाने वाला है और रात पहले में जो काम करा नाइट ड्यूटी करेगा वो 7 बजे ज्वाइन। और बहुत कंपनी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्लेन वाला साड़ी बनाते हैं। एक एक साड़ी का भाव होता है 3,000 से 4,000 तक। ये वाला बंडल ये मार्केट में बेचते हैं। ये मार्केट जाने के बाद ये कलर होते हैं, मार्केट से लोग खरीदते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं और अलग अलग कलर होते हैं। कलर होने के बाद एम्ब्रॉयडरी में डिजाइन डालते हैं ये वाला प्लेन साड़ी में। ये देखिए, ये सब कलर होने के बाद मार्केट बेचने जाएगा, मगर ये कलर होने के बाद एम्ब्रॉयडरी डिजाइन इसमें डाल दिया। एम्ब्रॉयडरी डिजाइन डालने के बाद ये सब बड़े बड़े, जितना बड़े बड़े सब साड़ी कलरिंग होता, ये सब ऐसे लंबा लंबा साड़ी है, ये सब मार्केट में बेचेंगे और मार्केट में दुकान वाला लेंगे, इसको पीस पीस करके छोटा छोटा साड़ी बना के फिर इसके साइड में डिजाइन बना के उसको बेचेंगे। मगर ये जो जैक्वा लूम चलता है इसमें क्या होता है, डायरेक्ट साड़ी बनता है, डिजाइन हो जाता है। वो प्लेन था उसमें कलर होता था फिर डिजाइन नहीं होता था। इसमें क्या होता है, अलग अलग देखो कितना कटन साड़ी दिखते हैं अंदर, और इसके अंदर डायरेक्ट डिजाइन होता है, इसमें कोई डिजाइन बाद में डालना नहीं पड़ता है। एक बार में डिजाइन निकल के आते हैं और इसको हाई रेट में बेचते हैं और ये बनाने के लिए कारीगर लोग को बहुत पैसा मिलता है। हर मीटर वो 14 रुपया मिलता है हर मीटर को बनाने के लिए। एक कारीगर यहाँ 4 मशीन चलाते हैं और हर एक मशीन में 12 घंटा में 30 मीटर कपड़ा बनाते हैं, 30-32 मीटर कपड़ा बनाते हैं। इस तरह इधर काम होते हैं कि देखिए ये भाई सब काम करते हैं, यूपी बिहार अलग अलग जगह से काम करते हैं। ये कंपनी मैंने वीडियो बनाने गया था, ये कंपनी मेरा नहीं है, वीडियो बनाने गया था और वीडियो बनाया जैक्वा लूम्स का अच्छा डिजाइन वाला साड़ी। ये देखिए कैसा कंपनी, जो अब मैं बताता हूँ। जब दिन पाली था तो कारीगर चला गया नाइट पाली वाला के यहाँ पहुँच गया। देखिए अभी नाइट पाली वाला क्या करेगा, उसका ऊपर सिग्नेचर करेगा अपना, एक चौक होता है लाल वाला उसका ऊपर वो लिख देगा हर साड़ी का ऊपर। देखो ये सब लिख रहा है साड़ी का ऊपर लिख रहा है, क्योंकि उसके आगे जो साड़ी बनेगा, जो कपड़ा बनेगा वो इसके नाम पर आएगा। अभी जो बन रहा है, बन गया था, वो दिनपाली वाला का था, दिनपाली जो काम करता था। अभी नाइट में जो बनेगा वो इसका नाम पे जाएगा, अब इसलिए सिग्नेचर कर रहा है। देखिए हर साड़ी का ऊपर सिग्नेचर करेगा, जितना बसने वो चलाते हैं और उसके बाद चालू करेगा, तो जो कपड़ा आगे आगे बनते रहेगा वो इसके नाम पे आएगा। इस तरह सूरत में काम होते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि शायद दो दो बीम में ये डिजाइन वाला साड़ी बनता है, डबल बीम, एक ऊपर और एक नीचे, और उसका ऊपर जो लटका हुआ है वो सब डिजाइन देते हैं साड़ी को, उसके वजह से साड़ी में डिजाइन आते हैं, जो ऊपर लटका गया है सब ऊपर। ये देखिए मशीन बंद है, अभी नाइट पाली वाला चालू करेगा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, नाइट भर ऐसे चलाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा फिर काम करेगा। उसके अंदर 7 बजे ज्वाइन करेगा तो 9-10 बजे फिर खाना खाएगा, वो टिफिन घर से लेकर आएगा, और कंपनी में रहता होगा तो उधर से टिफिन बना के लाएंगे यहाँ खा के फिर आई नाइट भर चलाएंगे। ये देखिए
कितना सुंदर सुंदर साड़ी ये सब बनते हैं ये जाकवाड़ लूम्स में। एक एक साड़ी भाव होते हैं 3500, 2000, 3500, 3000, 700, 800, 1000। कपड़ा साड़ी का क्वालिटी और डिजाइन के अनुसार पैसा उसमें देते हैं, बेचते हैं लोग, सेठ लोग। अभी देखिए ये जो बाहर है ये बॉयलर है, धागा बॉयलर करने के लिए बॉयलर मशीन रखा गया है। जब नाइट पाली वाला चालू कर देते हैं तो साड़ी बनते रहते हैं 12 घंटे तक, ऐसे सुबह तक काम होते हैं। आज के वीडियो में देखो ये मैं जाकवाड़ लूम्स बनाया। अभी चलो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा डूबी पावर लूम्स। ये जो कपड़ा बनता था हर मीटर में 14 रुपया कारीगर लोग लेते थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक अच्छा कंपनी में ले कर जाऊँगा और उसका अंदर आपको दिखाऊँगा कैसे डूबी पावर लूम्स चलता है और उसका कपड़ा का भाव क्या है वो भी बताऊंगा, पगार कितना कैसे कारीगर पगार देते वो भी बताऊंगा। अभी जो जाकवाड़ लूम्स दिखाया उसमें कारीगर लोगों का 35 से 40 हज़ार रुपया होते हैं हर महीने में। और ये जो दिखाई ये है डूबी पावर लूम्स, वो भी पावर लूम्स, ये भी पावर लूम्स, क्योंकि जो पावर की मदद से चलता है और इसको डूबी कहते हैं, उसको जाकवाड़ कहते हैं। ये देखिए ये उससे थोड़ा क्वालिटी कम है, इसका भाव थोड़ा उससे कम है, क्योंकि ये कपड़ा में फिर अलग अलग डिजाइन, ये कपड़ा होने के बाद निकलने के बाद फिर दूसरा डिजाइन डाला जाएगा। ये सब प्लेन वाला है और कपड़ा क्वालिटी भी अच्छा है, मगर इसमें बनारस साड़ी बनेगा और एम्ब्रॉयडरी में जाएगा, अलग अलग साइड्स बनेगा। ये देखिए जो काम करें इनके नाम है हेमंत भाई, ये उड़ीसा का रहने वाला है और यहाँ गुजरात में 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले बबीन भरते थे, अभी लूम्स का काम सीख गया, अभी इसको चला रहे। हर महीना में इसको 35 से 40 हज़ार रुपया वो कमाते हैं। इसमें क्या होता था, अगर कपड़ा का भाव क्वालिटी के अनुसार इसमें पैसा मिलते हैं और मशीन भी ज़्यादा चलाएंगे तो पगार ज़्यादा मिलेंगे। हर कारीगर 10 से 12 मशीन चलाते हैं तो महीना में 25 से 30 हज़ार रुपया कमाते हैं। अगर धूप के टाइम जैसे मार्च अप्रैल मई जून महीना में कारीगर लोग भाग जाते हैं, ज़्यादा कारीगर गाँव इधर रहते नहीं, ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं, इसलिए कारीगर लोग 10, 12 से 14, 16 तक चलाते हैं, तब कारीगर लोग का इसमें भी 35-40 हज़ार हो जाता है, नहीं तो 30 हज़ार का अंदर इसमें पगार मिलते हैं हर महीने में। ये सब डूबी पावर लूम्स देखिए दिन रात मशीन सूरत में चलता रहता है, कभी एक मिनट के लिए बंद नहीं रहता। अगर पावर जाएगा तो बंद रहेगा, नहीं तो इसे बंद काम चलता रहता है। यहाँ का सेठ लोग महीना में करोड़ करोड़ रुपया कमाते हैं, कारीगर लोग को पगार देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल देते हैं, माल वाले को पैसा देते हैं, सब जाने के बाद उन लोगों के ही 50 रुपया 1 करोड़ हर महीना में उनके बचते हैं। जैसे हम लोग गांव में खेती करते हैं, शुगर का खेती या धान का खेती करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, लोग को काम में लगा के करवाते हैं, उस तरह ये सूरत में हर सेठ लोग क्या करते हैं, कंपनी डाल देते हैं और बाहर का लोगों को यहाँ काम करवाते हैं और सबको पेमेंट दे के वो खुद करोड़ करोड़ रुपया कमाते हैं, ये उनका खेती है। ये देखिए सूरत में, गुजरात में बहुत सेठ लोग होते हैं और बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं गुजरात में और बहुत पैसा कमाते हैं हर कोई। और एक बात है कि यहाँ सब प्राइवेट सिस्टम है, जैसे पुणे केरल अलग अलग जगह, जो महाराष्ट्र जो पुणे रहते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं लोहे के गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं, उसमें सब गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड रहते हैं और इसमें क्या होता है सब प्राइवेट सिस्टम, अपने मर्जी से काम देंगे, पगार देंगे कारीगर लोगों को, यहाँ कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये सब प्राइवेट सिस्टम है। देखिए जितना डिजाइन के अनुसार माल चलेगा कारीगर लोग इतना पैसा कमाएंगे। सूरत में सबसे अच्छा काम यही लूम्स का काम अच्छा है और बाकी अलग अलग काम अच्छा है, मगर सबसे अच्छा है यही काम, क्योंकि इसमें साल भर काम मिलते हैं। दूसरे काम में मिलता है अच्छा काम होते हैं मगर काम हर टाइम नहीं मिलता, इसमें काम अच्छा मिलता है, क्योंकि आजकल हजार हजार कंपनी बनते रहते हैं और ये लूम्स हजार हजार ऐसे बनते पड़ते रहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा जगह मिलते हैं। और ये वाला काम सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये काम आराम से कोई सीख नहीं पाएगा, इसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए इसमें कारीगर बहुत कम है आजकल। और दूसरा जो काम होते हैं बहुत ईजी काम होते हैं, जैसे ट्यूबों का काम, उसमें ईजी होते हैं, 10-15 दिन में सीखो काम करो, और वायरपिनिंग का काम सीखो ज़्यादा दिन टाइम लगे वायरपिनिंग का काम सीखने के लिए, मगर उसमें काम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा खाली नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक कंपनी में, हर एक कंपनी में एक दो वर्पर रहते हैं और वो एक दो में एक दो वर्पर रहेंगे,
इसलिए उसमें भी कारीगर का कमी ज़्यादा, कारीगर मशीन कम रहती है। सिर्फ यही वाला मशीन है जो कि कंपनी बहुत है, कारीगर कम है, ये लूम्स में, इसलिए इसमें ज़्यादा पगार भी मिलते हैं आजकल। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कैसा लगा। मैं भी सूरत में काम करता हूँ, अभी मैं गांव में रहता हूँ, जब जाऊँगा फिर मैं अपना काम करूँगा, पर कब जाऊँगा कोई ठिकाना नहीं है। हर किसी का मजबूरी होता है बाहर जाने के लिए, घर से जाने के लिए मन नहीं करता, फिर भी जाना पड़ेगा। अभी देखिए कैसा बीम लगा है, डिजाइन वाला बीम लगा गया है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। इसमें काम करते बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह से लोग, मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग आके यहाँ काम करते हैं, क्योंकि सूरत में सबसे बड़े बड़े कंपनी बहुत होते हैं, और हर एक कंपनी पाँच, चार से पाँच महिला, छः महिला, छः मोहल्ला तक होते हैं, हर छः फ्लोर होते हैं, हर एक फ्लोर में तीन फ्लोर चार फ्लोर तक यही मशीन चलता रहता है, हर एक फ्लोर में 50 से 100 लूम्स चलता है, और पाँच छः फ्लोर में 500-600 लूम्स चलता है, हर 10 मशीन पे एक कारीगर रहते हैं, उसी के हिसाब से कारीगर काम करते हैं, फिर हेल्पर रहते हैं, वर्पर चलाते हैं। देखिए ये हेमंत भाई कैसे काम करते हैं, कैसे कांडी डाला, ये अपना उड़ीसा का ही मेरा दोस्त है, मैं इनके पास मिलने गया था, थोड़ा वीडियो बना लिया। यहाँ हर 15 दिन में एक बार पगार मिलते हैं, पगार को कहीं सालार कहते हैं, कहीं पेमेंट कहते हैं, मगर गुजरात में पगार कहते हैं। हर 15 दिन में एक बार मिलते हैं, अलग अलग जगह होता है, चाहें जहाँ पुन्ना केरल, हर जगह में महीना में एक बार मिलते हैं, मगर सूरत में हर 15 दिन में पगार मिलते हैं। कारीगर लोग जितना कपड़ा बनाएंगे उतना पैसा उनको मिलते हैं, उसमें पैसा का कोई फिक्स नहीं है, फिर भी हर महीने में 30,000, कम से कम 30,000 कमाते हैं, 15 दिन में 15,000-16,000-17,000 कमाते हैं, और काम थोड़ा, कोई मशीन ख़राब हुआ, थोड़ा कहीं घबरा आ गया तो वो मशीन का काम कम हो जाएगा, इस तरह कम से कम 30,000 महीना में ये लूम्स में कमाते हैं। मगर इस काम सीखने में थोड़ा मेहनत है, काम सीख जाओगी तो आराम से काम करने में कोई दिक्कत नहीं रहता, इसमें हर टाइम काम मिलता है।